इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते, अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातस्मरणे, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जीमणि महाराज की जय। क्या करते हैं ऐसे ही परोपकार के विषय में आचार्यों ने कदम कदम पर चर्चा की है। जड़ वस्तु के ऊपर कोई उपकार नहीं किया जा सकता, किंतु जीव के प्रति उपकार का भाव जागृत होता है। जड़ वस्तु में न सुख का संवेदन है न दुख का संवेदन है, किंतु संवेदनशील यदि कोई पदार्थ है तो वह जीव है। इसलिए जीव के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति उपकार का भाव होना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव जागृत होना चाहिए, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में यह प्रसंग दिया है कि वह सम्यक दर्शन जो कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा गया है, उस सम्यक दर्शन की चर्चा करते समय यह प्रसंग दिया है कि वह सम्यक दर्शन दो तरह का होता है, एक सराग सम्यक दर्शन और एक वीतराग सम्यक दर्शन। वीतराग सम्यक दर्शन के स्वामी तो श्रमण हुआ करते हैं, किंतु सराग सम्यक दर्शन जो होता है वह किमात्मक होता है, तो उन्होंने स्पष्ट किया है, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य आदि अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शनम, ऐसा कहा। सम्यक दर्शन तो है किंतु उसके साथ राग जुड़ा हुआ है। लेकिन यह ध्यान रखें, राग भी दो तरह का होता है, एक विषयानुराग होता है और एक धर्मानुराग होता है। धर्म के प्रति अनुराग होना चाहिए। राग हमेशा हमारे लिए एकांत रूप से बंद के लिए कारण नहीं होता, किंतु जो धर्मानुराग होता है वह परंपरा से निर्वाण के लिए कारण बताया है। इसलिए प्रशम संवेग और अनुकंपा यही जिसके अंग हैं, ऐसा वह सराग सम्यक दर्शन माना जाता है। उसमें अनुकंपा शब्द को भी लिया है। अनुकंपा किसके प्रति की जाती है, किस व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव जागृत होता है, यह भी स्पष्ट किया है कि अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के अग्रदूत, ऐसे शब्दों के प्रयोग आपने किए हैं। ठीक किया है आपने, क्योंकि अहिंसा के प्रति लगाव जो होता है वह विरल व्यक्तियों के जीवन में ही वह लगाव उत्पन्न होता है। बहुत सारे ऐसे भी इस धरती पर जीव हैं, मनुष्य के रूप में हैं, इसके उपरांत भी उनकी वृत्ति
पशु से भी गई बीती देखने को मिलती है। एक सिंह को भी आपने देखा होगा, सुनते हैं वह जो सिंह अर्थात व्याघ्र है वह शिकार करता है, किंतु शिकार कब करता है? जब भूख लगी है तो वह शिकार करके उस भूख को शांत करता है, उसके बाद वह शिकार नहीं करता, ऐसा भी सुनने को मिलता है। आप सोचो समझो, प्रत्येक जीव के साथ पेट लगा हुआ है, सुन रहे हैं आप, प्रत्येक व्यक्ति के साथ पेट लगा हुआ है, किंतु पेटी नहीं लगाना चाहिए। पेट और पेटी में बड़ा अंतर है। दो चार छः रोटी आपने खा ली, भूख शांत हो जाती है, किंतु पेटी को भरने के लिए दूसरे के पेट के ऊपर भी प्रहार करता है संसारी प्राणी। केवल पेट ही भरना चाहता है। जीवन जीने के लिए आपको ये चाहिए कि जिस प्रकार मैं अपने जीवन को सुख और शांति के साथ व्यतीत करना चाहता हूँ, उसी प्रकार प्रत्येक जीव की यह इच्छा होती है, इसलिए दूसरे के प्रति भी करुणा का भाव जागृत होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। आचार्य महाराज ने एक बार ये कहा था कि अपने लिए रोना ये आर्थ ध्यान है और दूसरे के लिए रोना धर्म ध्यान है। दोनों रो रहे हैं, किंतु स्वार्थी संसारी प्राणी अपने लिए रोता है, भगवान के सामने भी हाथ जोड़ करके रोता रहता है। भगवान कहते हैं रो नहीं, यदि रोना आपको पसंद है तो दूसरे के दुखी जीवन को देख करके रोना चाहिए कि हे भगवान इसका दुख कब दूर हो। हम अपने दुख को दूर करने के लिए तो कटिबद्ध है, किंतु दूसरे के जीवन में जो आपदा आई है, जो विपत्ति आई है, जो संकट आया है, उस संकट को दूर करने की जो एक भीतर की जो लगनशीलता है, ललक है, उसको बोलते हैं करुणा भाव। करुणा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि स्वार्थ परायण जीवन जीने वाला व्यक्ति वह कभी भी दूसरे के प्रति वह दया का भाव नहीं रख पाता, मात्र अपना 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 सोचता है, जबकि अपना कोई नहीं, वह सब सपना है। इसके उपरांत भी वो अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए यहाँ पर स्वर्ग उतर जाए, इस प्रकार का वह प्रयासरत रहता है। किंतु ये ध्यान रखो, शारीरिक जो शांति है, सुख है, वह वस्तुतः सुख नहीं, सुखा भास है, ऐसा कहा है। कहा तो है महाराज, ये सब शास्त्रों में कहा है, किंतु देखने को कहाँ मिल रहा है, है? देखने को कहाँ मिल रहा है? ये एक दूसरे को देख करके बोल रहे हैं, किंतु आचार्य कहते हैं देखने को नहीं मिलता, स्वयं ही उस रूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि सम्यक दर्शन होते हुए भी वह एक तरह का नहीं है, किंतु राग के साथ संबंध को लेकर के जो सम्यक की उत्पत्ति होती है उसको सराग सम्यक दर्शन की संज्ञा दी है, और वह सराग सम्यक दर्शन की मुख्यतः गृहस्थ जीवन में हुआ करती है। महाराज हमारे लिए भी कुछ धर्म का लाभ हो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि धर्म वस्तुतः अहिंसा प्रदान धर्म है। अहिंसा की रक्षा करने के लिए ही हम रात दिन प्रयत्नशील हैं, क्योंकि हिंसा का अर्थ घात होता है। दूसरे के जीवों का घात करके कभी भी जीवन यापन करने का भाव
नहीं रखना चाहिए। लेकिन होता क्या नहीं, मैंने पहले भी कहा था, गृहस्थ जीवन में अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ वह चलता है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जिसमें हिंसा नहीं होती हो, तो फिर महाराज हिंसा से बचने के लिए हम करें क्या? अनुपात से हिंसा से बचने का उपक्रम कर लेना चाहिए। कोई भी व्रत छोटा और बड़ा नहीं होता, व्रत तो व्रत ही होता है, अपने शक्ति के अनुरूप पालन करने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया मुझे और गुरुदेव ने ही प्रवचन के दौरान कहा था, बल्कि उनके साथ वह घटित घटना है। वह क्या है, नैनागिरी की बात है और आहारचर्या का समय हुआ था। शुद्धि करके आचार्य महाराज आहार के लिए निकल गए, मंदिर में जाकर के वंदना की और निकल गए, और निकलने के उपरांत वहाँ पर जो श्रावकगण खड़े थे पड़गान के लिए, वहाँ पर किसी का पुण्य का उदय जागृत हुआ। सबका पुण्य का उदय नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहता, सबका पुण्य का उदय होते हुए भी किसी एक के यहाँ ही तो एक साथ पड़गान हो सकता है। 150 भी मान लो श्रावक खड़े हैं पड़गान के लिए, इसके उपरांत भी एक के यहाँ ही आहार संपन्न होगा। तो एक श्रावक ने पड़गान करके भीतर ले गए और नवदा भक्ति करी, उसके उपरांत आचार्य महाराज खड़े हो गए आहार लेने के लिए, और उसी समय एक परिवार वहां पर आया जो बाहर का था, बाहर ही खड़ा था किंतु निवेदन प्रार्थना कर रहा था गुरुदेव के प्रति कि भगवान बहुत दिन की मेरी भावना है आहार दान देने की, और इस भावना को आप पूर्ण करेंगे कृपा करके। तो आचार्य महाराज तो मौन खड़े होकर के आहार ले रहे थे, एक क्षण के लिए उनकी ओर दृष्टि जाती है और उन्होंने पुनः दोहराया कि महाराज बहुत दिन की भावना है, किंतु किंतु क्या महाराज, एक विकल्प मेरे मन में बार बार आता है, वो ये है कि मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता। सुन रहे हैं आप, हाँ। मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता, किंतु आहार देने की तो मेरी तीव्र उत्कंठा है। और गुरुदेव ने उनको देखा, निहारा और उन्होंने मौन रूप से स्वीकृति दे दी मुस्कान के माध्यम से। लेकिन ध्यान रखो, अभी बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा प्रसंग है ये, ताली नहीं बजाओ, रहस्य क्या है इसको समझो सोचो। और उन्होंने इसलिए स्वीकृति प्रदान की थी, उन्होंने फेस रीडिंग किया था, वह ऐसा एक व्यक्तित्व था, पति पत्नी दोनों आए थे, उन्होंने देखा और परखा और उन्होंने मन में ये सोचा कि इस ग्राहक को लौटाना नहीं चाहिए। क्या रहस्य होगा महाराज, जल्दी खोलो, खोल रहे हैं। और बाद में वह रहस्य खुलेगा क्योंकि मौन है, और उन्होंने मुस्कान दे करके उन्होंने मौन रूप से स्वीकृति दे दी, और उन्होंने शुद्धि बोल करके बड़े विनय अनुनय आदर भक्ति पूर्वक उन्होंने एक दो ग्रास दिए। फिर बाद में क्या होता है,
आहार सानंद संपन्न हुआ और आचार्य महाराज पुनः लौटने लगे। वहाँ पर थोड़ी बैठा जाता है, और लौट करके मंदिर की ओर जब निकल गए तो उनके साथ जो चौके वाले जितने भी मेंबर थे वे भी सारे के सारे उनके साथ हो गए पहुँचाने की दृष्टि से, और उसमें वो दो व्यक्ति भी साथ हो गए थे। वहाँ पर जा करके बैठ गए आचार्य महाराज, और वो दोनों व्यक्ति आ करके नमोस्तु किया उन्होंने और बैठ गए, और आचार्य महाराज ने उनकी ओर देखते हुए कहा कि देखो तुम दोनों ने आहार दे दिया, और मैं उस समय मौन था इसलिए कुछ बोल नहीं सका, अब तो मैं बोल सकता हूँ। महाराज आप जो कहो वो हम तैयार हैं, लेकिन रात्रि भोजन का हम त्याग नहीं कर पाएंगे, कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं। फिर कैसे करेंगे महाराज, आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज हम दोनों पति पत्नी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हाँ ठीक है, उसमें भी कौन सा विभाग है, क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं तो डिप्टी कलेक्टर हूँ और ये श्रीमती जज हैं। आ गई बात समझ में? ये व्यक्तित्व उन्होंने पहले से ही पहचान ली थी, क्या व्यक्तित्व है इनके अंदर। उन्होंने बहुत अच्छा बैठ जाओ, लेकिन ये ध्यान रखो रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सको, कोई वादा नहीं, क्योंकि आपके सामने समस्या है, समय पर कोर्ट जाना पड़ता है, समय पर जो है वह ड्यूटी देने पड़ती हैं, इसलिए कोई वादा नहीं। लेकिन मैं आपके लिए जो नियम देना चाहता हूँ उसको तो लेना पड़ेगा। महाराज रात्रि भोजन त्याग को छोड़ करके आप जो दे दो उसके लिए हम मंजूरी देते हैं। अच्छी बात है, ऐसा करो। ऐसा कहा, ऐसा कहने का अर्थ क्या, कोई 5 लाख का दान देने के लिए कहा जा रहा है क्या? नहीं, ऐसे का अर्थ है 5 अनुव्रत अंगीकार करो। महाराज ये तो उससे भी कठिन है, रात्रि भोजन त्याग से भी बहुत जटिल विषय है मेरे लिए, बहुत कठिन है ये। कठिन कुछ नहीं है, मैं समझाता हूँ, सुनो और आप लोग भी सुने। उन्होंने ये कहा कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और गवर्नमेंट के तरफ से आपको जो सैलरी मिलती है, जो पे मिलता है, उतना ही लेना, उसके अलावा एक पाई भी नहीं लेना। समझ रहे हैं आप, अथवा अर्थात रिश्वत नहीं लेना। महाराज ये तो हमसे बहुत अच्छे तरह से निभ जाएगा नियम, और इसमें 5 अनुव्रत गर्भित हैं अंतर्भूत है, ध्यान रखो। कैसा, जो सैलरी मिलती है उसके अलावा एक पाई भी हम नहीं लेंगे, इसमें सत्य व्रत का पालन होगा। और जहां पर सत्य पल रहा है वहां पर अहिंसा भी पल रही है, क्योंकि अहिंसा की रक्षा जो होती है वह सत्य के माध्यम से हुआ करती है, इसलिए सत्य व्रत पालन हो रहा है, क्योंकि एक पाई भी हम रिश्वत के रूप में नहीं देंगे। जब सत्य का पालन होगा तो चोरी संभव नहीं, जहां पर सत्य नहीं वहां पर चोरी भी है, और जहां पर सत्य का अनुपालन होगा वहां पर अहिंसा धर्म का भी अनुपालन होगा, और सत्य भी पल रहा है और अचौर्य व्रत भी पल रहा है, और आपने
उस सैलरी को छोड़ करके एक भी पाई नहीं लेने का जो संकल्प लिया है उसमें परिग्रह परिमाण व्रत भी पल रहा है। परिग्रह सीमित हो गया, परिमाण हो गया क्या नहीं। मान लो 1,00,000 रुपए भी यदि मान लो आपको सैलरी मिल रही है, कोई वादा नहीं आप ले लो, किंतु 1,00,000 रुपए के ऊपर हम एक पाई भी नहीं लेंगे। अब सोचो विचार करो, जो कलेक्टर होता है उसके लिए इतना पे मिल रहा है, इसके उपरांत भी रिश्वत के माध्यम से करोड़ों रुपयों का संचय किया जाता है, वह अनीति मानी जाती है, ध्यान रखो। वह न्याय नहीं माना जाता है, वह अन्याय माना जाता है। आप पुरुषार्थ करके वित्त का संचय करो, उपार्जन करो, इसमें कोई बाधा नहीं है, किंतु उस न्याय का उल्लंघन करके जीवन यापन करने का जो भाव है इसी में आसक्ति पल रही है, और उस आसक्ति के कारण ही अहिंसा धर्म समाप्त हो जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। उनको बात समझ में आ गई। और दूसरी बात ये है, स्वदार संतोष तो अपने आप ही पलता चला जाएगा तुम्हारा। इस प्रकार 5 अनुव्रत जो है ना, एक ही व्रत के माध्यम से आपके पल रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि महाराज हमें कोई बाधा नहीं, ये आसानी के साथ मैं इसका पालन करूंगा, लेकिन मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता, कोई वादा नहीं, लेकिन आपके लिए नहीं, ये ध्यान रखो, नहीं तो बिना रात्रि भोजन त्याग किए आप देना प्रारंभ कर दो। ऐसा नहीं, उनके सामने जो समस्या थी उस समस्या का हल है या समाधान है, क्योंकि धर्म से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। मात्र रात्रि भोजन त्याग का नाम ही धर्म है ऐसा नहीं, इसका भी पालन करें, किंतु इसके साथ साथ इस प्रकार की भी धर्म की उपासना की जा सकती है और करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य महाराज की ये कुशलता है कि किसी को भी है वापिस नहीं, किसी ग्राहक को वो वापिस लौटाने नहीं देते, लौटने नहीं देते, वो अपने क्षमता के अनुरूप धर्म का पालन करो। अर्थ ये है कि अहिंसा की उपासना करने वाला व्यक्ति हमेशा परिग्रह से दूर रहता है और रहना चाहिए। यहां तक कि रत्नकंठ श्रावकाचार्य में ये प्रसंग आता है, उस प्रसंग को आपके सामने रख रहा हूं 5-10 मिनट में। उसको सुन करके पढ़ करके आपको आश्चर्य लगेगा। आप तो उच्च कुल में पैदा हुए हो और एक नीच कुल में पैदा हुआ है, कौन, चांडाल, और उसका नाम लिया है किसने, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंठ श्रावकाचार्य के अंदर उसको उसका नाम उल्लेखित किया है। सम्यक दर्शन संपन्न मभी मातंग देहजम देवा देवम विदुर भस्म गूढ़ांगारां तरो जसम, ऐसा कहा। आप सोचो विचार करो, वह चांडाल नीच कुलीन माना जाता है, उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता, किंतु ये ध्यान रखो सम्यक दर्शन से वह संपन्न हुआ है, उसके लिए देव संज्ञा प्राप्त हो गई है। देव का अर्थ देवादिदेव नहीं लेना, किंतु देव का अर्थ उसके अंदर पूज्यता आई है, वह आदर का पात्र हुआ है। देव का अर्थ वह पूज्य हुआ है, और पूज्यता का अर्थ यहाँ पर वह पूज्यता नहीं लेना, किंतु आदर का पात्र बना हुआ है। वह कौन, वह चांडाल होने के बावजूद भी, ऐसी कौन सी विशेषताएं महाराज, उस प्रसंग को आपके सामने रख रहा हूं। सोचिए, उस चांडाल ने
भय के ऊपर भी विजय प्राप्त की है, और उस चांडाल ने लोभ को भी जीत लिया है। इस प्रसंग में वह विषय स्पष्ट हो जाएगा। राजा ने अष्टानिका पर्व में अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक, उस अष्टानिका पर्व में किसी भी जीवों की विराधना घात नहीं होना चाहिए, इस प्रकार उस राजा ने राज्य में घोषणा की थी। अब सोचो, हिंसा नहीं होगी उस अष्टानिका पर्व के दिनों में। संयोग की बात है, राजा का राजकुमार और उसने उन दिनों में जीव का घात किया था, क्योंकि वह मांस का लोलुपी था और उसने छुप करके बगीचे के अंदर एक मेंढे का घात किया। मेंढा जानते हैं आप, है? है उसका घात किया और उसका उसको पका करके उसने भक्षण किया था, और यह बात राजा के कान तक पहुंच गई, खबर पहुंच गई। पहुंचते ही उसने, राजा ने कहा, कौन है उसको पकड़ करके ले आओ। तो वहां तक जो खबर पहुंची थी वह किसके द्वारा पहुंची थी? एक माली था उस बगीचे में, और उसने एक दिन पेड़ के ऊपर चढ़ा था, और वहां से उसने, उस राजकुमार ने जो मेंढे का घात किया था, वध किया था, उस कृत्य को उसने देखा था, और उसने ही खबर पहुंचाई थी राजा के दरबार तक जा करके। राजन, आपने घोषणा की थी अष्टानिका पर्व में घात नहीं करने का, किंतु आपके पुत्र ने ही घात किया। मेरे पुत्र ने? हाँ हाँ, आपके पुत्र ने। ऐसा हो नहीं सकता। कैसा नहीं हो सकता है? हमने अपने आंखों से देखा है, प्रत्यक्षदर्शी मैं हूं। ऐसी बात है, उसको पकड़ करके ले आओ, और उसको ले गए। अब राजा ने कहा, क्या कहा? इसने राजा के आदेश का उल्लंघन किया है, यह एक अपराध किया, और साथ साथ जीव की घात करने का अपराध किया, इसलिए इसको इस प्रकार छोड़ा नहीं जा सकता, ये महान अपराधी है, इसलिए इसको प्राण दंड दिया जाएगा। लेकिन देने वाला कौन है? कौन? हाँ, चांडाल, जल्लाद भी बोलते हैं उसको। और राजा ने कहा, उस चांडाल को बुलाओ और अभी इसको प्राण दंड देना है। तो चांडाल को बुलाने के लिए राज की जो कर्मचारी थे, कोतवाल आदि, वहां पर पहुंच गए। कहां पर? जहां पर वह रहता था, उसके घर पहुंच गए, और उन लोगों ने कहा, कहाँ है वो चांडाल, है क्या नहीं? तो उस चांडाल की पत्नी ने कहा, क्या कहा ये बाद में बताऊंगा, किंतु चांडाल ने अपनी पत्नी को सूचना दी थी कि कोई भी बुलाने के लिए आ जाए तो तुम ये कह देना कि वह बाहर गए हैं, अभी नहीं हैं, और वह छुप करके घर के भीतर ही बैठा था। और उस कोतवाल आदि आ गए बुलाने के लिए, उन्होंने कहा कि कहाँ है वो चांडाल? नहीं, वो बाहर गए हैं। अरे, वो अभागा है,
आज यदि वह उपस्थित होता तो उस उसके वध के द्वारा राजा के माध्यम से उसको पुरस्कार मिल जाता है, क्योंकि वह चांडाल है, वध करता तो उसके लिए इनाम मिल जाता राजा के माध्यम से। वह अभागा कहाँ चला गया, तो पत्नी के मन में लोभ जागृत हुआ। अच्छा ऐसी बात है, वो बाहर गए हैं, बाहर गए हैं, ऐसा दो चार बार बोल तो दिया किंतु हाथ से संकेत कर दिया कि अंदर है, ये लोभ आ गया मन में। अच्छा अंदर है, तो जा करके कोतवालों ने उस चांडाल को पकड़ लिया और राजा के पास खड़ा कर दिया। अब राजा ने कहा, देर मत करो, क्या करना है राजन? कुछ नहीं करना है, ये राजकुमार है और इसने राज की आज्ञा का उल्लंघन किया है और जीव का घात किया है, इसको जल्दी से जल्दी क्या करना है, इसका घात करना है। तो राजन, मैं घात तो नहीं कर सकता, क्यों क्या बात है, मैंने चतुर्दशी के दिन वध के त्याग का संकल्प लिया है। सोचो विचार करो, इसके पीछे भी थोड़ा सा विषय और है, उसको भी आपके सामने रखूं। वह ये है, मैंने चतुर्दशी के दिन इसलिए वध का त्याग किया है क्योंकि एक दिन मुझे सर्प ने काट लिया था और उसके फलस्वरूप मेरा अवसान हुआ है, ऐसा समझ करके परिवार लोगों ने मुझे स्मशान में ले जा करके वहां पर रखा था, किंतु ऐसा पुण्य का उदय था कि मेरा अवसान नहीं हुआ था। फिर हुआ कैसा, वहां पर एक रिद्धिधारी मुनि महाराज थे जो कि ध्यान में लीन थे, और उनके पास कौन सी रिद्धि थी, औषध रिद्धि, जिनके शरीर के स्पर्श से वह वायु जिसको स्पर्शित हो जाए वह जीवित हो जाता है। सोचो विचार करो, ऐसे औषध रिद्धि के धारक मुनि महाराज के शरीर के स्पर्श से वह हवा बह रही थी और वह हवा का स्पर्श उस चांडाल से हुआ और वह चांडाल जो मृत जैसा प्रतीति में आ रहा था वह जीवित हो गया। और जीवित होने के उपरांत उसने सोचा, बहुत अच्छा अवसर है, रिद्धिधारी मुनि महाराज के प्रताप से पुनः प्राण आ गए हैं, अब मैं संकल्प लेता हूँ 14 के दिन मैं वध नहीं करूँगा। अन्य दिनों में तो वह वध करेगा, किंतु ये ध्यान रखो, अहिंसा धर्म का पालन उसने एक 14 के दिन उसने वध का त्याग किया था, किंतु उसका वह संकल्प प्राण भी चले जाएं किंतु वह संकल्प अडिग रहेगा। और राजा को कह दिया, राजन आपको जो करना है वह कर लो, किंतु प्राण भी चले जाएं किंतु यह प्रण यह संकल्प टूट नहीं सकता, इस प्रकार उसने कह दिया। ना उसको मरण का भय रहा, मरण के भय को भी जीत लिया उसने, और लोभ जो दिया जा रहा था उस लोभ को भी जीत लिया। और राजा ने सोचा, चांडाल होकर के तुम 14 के दिन व्रत लेते हो, ये भी कोई व्रत है क्या, संभव नहीं है। इस प्रकार समझ करके उस राजा ने राजकुमार को भी और उस चांडाल को भी कोतवालों को कह दिया, इन दोनों को वहां पर फेंक दो। कहां पर, बोरी में बंद करो पहले, और
और दोनों को ले जाओ और वहाँ पर फेंक दो जहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, ऐसे तालाब में फेंक करके आ जाओ। तो उन दोनों को बांध करके ले गए और वहाँ पर ज्यों ही फेंक दिया तो वहाँ पर बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे वो सारे के सारे राजकुमार को तो नोच नोच करके खा लिया, किंतु वह जो चांडाल था उसकी रक्षा जल देवताओं ने कर ली। सोचो विचार करो, पशुओं के प्रति करुणा का भाव जागृत होना चाहिए, क्योंकि वो मूक पशु हैं, वो कमाते नहीं, ये ध्यान रखो। और आप लोग कमाते हैं, वो कमाते नहीं, उनके लिए कोई रहने के लिए स्थान नहीं है, समय पर ना उनके लिए अन्न मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। चरने के लिए चले जाते हैं जंगल मान लो, किंतु यदि दाना नहीं मिलता, चारा नहीं मिलता और पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, भयानक गर्मी के दिनों में यत्र तत्र घूमते रहते हैं पशु और प्राण उनके निकल जाते हैं, उस ओर दृष्टि रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो अहिंसा धर्म है और गुरुदेव ने कहा है कि इस अहिंसा धर्म की उपासना करने वाला जो जीव है वह उसका अब कहना ही क्या है। सबसे बड़ा धर्म माना जाता है अहिंसा, परमो धर्म कहा है। इसलिए प्रत्येक जीवों के प्रति करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। आपका समय हो चुका है, इसलिए अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष में उनकी प्रेरणा और उनकी मंगल में आशीर्वाद के माध्यम से जगह जगह गौशालाएं खुली हैं और उन गौ संरक्षण के लिए आप लोग कटिबद्ध हैं। पवई तो है, उसके साथ साथ जो आप लोग जिसको संभाल रहे हैं कौन सा, हाँ दयोदय महासंघ, छोटा नहीं है वो, ध्यान रखो। दयोदय महासंघ के द्वारा जगह जगह जो गौशालाएं खुली हैं उनके लिए योगदान मिल रहा है, वह अपने आप में वह कार्य सराहनीय है, क्योंकि गुरुदेव ने उस कार्य के लिए आशीर्वाद दिया है। वस्तुतः बैठ करके स्वाध्याय करने मात्र से अहिंसा धर्म की रक्षा नहीं होती, किंतु प्रयोगात्मक यह अहिंसा धर्म है, प्रैक्टिकल धर्म है। इसको निरंतर आप लोगों को उत्साह के साथ जहाँ भी कमी हो उस कमी की पूर्ति करते हुए प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। और ज़्यादा नहीं कहते हुए इसको यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि अहिंसा के माध्यम से दूसरों की जो प्राणों की रक्षा करने के लिए जो कटिबद्ध होता है उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आ सकता, और उसकी जीवन की रक्षा करने के लिए ये देव भी उतर करके आपके लिए सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार अहिंसा धर्म की उपासना करने के लिए हम और आप एकत्रित हैं, इसलिए निरंतर इस मनुष्य भव की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए अहिंसा धर्म को हमें प्रतिपल हृदय के साथ पालन करना चाहिए और उसके माध्यम से अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।